अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्लास हेटरोज़ोआ का एक और स्पीशीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है गोनोनियमस गोनोनियमस। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि इसमें जो मेडूसा स्टेज होता है वो प्रोडोमिनेंट होता है। मेडूसा स्टेज इसमें प्रोडोमिनेंट होता है, मतलब ज़्यादा कौन सा स्टेज होता है, यही मेडूसा स्टेज होता है। ओके, और उसके बाद जो ना नेक्स्ट ये है कि इसमें मतलब कहाँ मौजूद होता है ये जो गोनोनियमस है। ठीक है, ये मोस्टली जो ना जो सी वीड्स होती हैं, सी वीड्स, और वो भी कहाँ, जो शालो मेराइन वाटर होती है वहाँ जो ना ये पाए जाते हैं, शालो मेराइन वाटर। और किस तरह से अटैच होते हैं, अब ये जो ना इनके ऐसे समझ रहे हैं, ये इनके टेंटिकल्स हैं, इस तरह से ये एक टेंटिकल समझ रहे हैं। इस टेंटिकल के इर्द गिर्द जो ना ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव पैड्स बोलते हैं। अब इन्हीं एडहेसिव पैड्स की मदद से जो ये आपका ये से फिशीज है, ये किसके साथ अटैच होता है, सी वीड के साथ अटैच होता है, समुंदर के अंदर, मतलब मेराइन वाटर के अंदर। अब उसके अलावा इसका जो मार्जिन होता है, मतलब ये कि ये पूरे इसका जो एक्सटीरियर मार्जिन की बात कर लें, ठीक है, एक्सटीरियर मार्जिन की बात कर लें, तो ये वाला जो ये सारा जो इसका ये सिस्टम है, ये अंदर की तरफ पेंच हुआ होता है, इनवर्ड मूवमेंट होती है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वैल्यूम कहते हैं। मार्जिन क्या होता है कि उस इनवर्ड मूव होता है, इनवर्ड मूव होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूम बोलते हैं। अब वैल्यूम क्या है कि ये जो ना इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये वाटर की मतलब एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, वाटर को एक्सपेल करने में। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है कि ये वाटर को एक्सपेल करता है, मतलब बाहर की तरफ धकेलता है, कौन, ये वैलम। अब ये वैलम, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ मौजूद होता है और इसका क्या काम होता है कि वाटर को बाहर की तरफ धकेलना है। ठीक है, और उसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम मतलब ये हम मेनोब्रियम की बात कर लेते हैं। अब इसी मेनोब्रियम का जो एंड वाली साइड है, ठीक है, एंड साइड, वो क्या होता है, माउथ होता है, माउथ। और यही जो माउथ या मेनोब्रियम है, ये देख लें, ये मेनोब्रियम है, ये माउथ है, तो इसके दरमियान में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी। ठीक है, इसके मतलब दरमियान में क्या मौजूद होता है, गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी मौजूद होता है, वास्कुलर कैविटी मौजूद होता है, या इसका मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही समझ लें। ठीक है, वास्कुलर कैविटी मौजूद होता है, ये स्टोमक भी, ये सब कुछ इसका यही होता है। ठीक है, यहाँ फूड की डाइजेशन होती है। अब उसके बाद ये तो रहा इसका माउथ, और इसी मेनोब्रियम के साथ क्या मौजूद होती हैं, रेडियल कनाल्स मौजूद होती हैं, रेडियल कनाल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रेडियल कनाल्स हैं, ये आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ये इसके साथ क्या मौजूद होती हैं, यहाँ से रेडियल कनाल्स मौजूद होती हैं। अब यही जो रेडियल कनाल्स हैं, ये फिर एक और मतलब एक मेम्ब्रेन समझ लें, ठीक है, उसके साथ ये क्या होती हैं, रिंग, जिसे हम सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्कुलर रिंग बोलते हैं, उसके साथ मतलब ये These all are connected with circular ring. Circular ring के साथ ये सारे क्या होते हैं, connected होते हैं। Okay, अब उसके अलावा जो है ना, अगर हम इसमें बात करें कि ये जो इसकी मेसोग्लिया होती है, ठीक है, ये जो ये ऐसे, ये इसका आउटर लेयर है, ये इसका इनर है, मतलब इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन तो नहीं होता इसमें, तो इसका आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, इसके दरमियान में जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो मेसोग्लिया होता है। ठीक है, अब वो जो मेसोग्लिया होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स, चंद स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसे कि ये क्या कहलाता है, स्टेटोसिस्ट। अब ये स्टेटोसिस्ट इनमें मौजूद होते हैं। अब ये स्टेटोसिस्ट के अंदर मज़ीद जो है ना, मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ,
कि ये क्या है, ये स्टेटोसिस्ट है। अब इसी स्टेटोसिस्ट के अंदर एक स्टेटोलिथ होता है जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ये जो मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम ये मूवमेंट शो करता है, टिल्ट करता है, ठीक है। जो मेनोब्रियम सॉरी ये जो गोनियो नेमस ये जो ये स्पीशीज है ये क्या करता है कि ये स्टिल्ट करता है। स्टिल्ट कर मतलब ये कि ये मूवमेंट शो करता है। तब ये जो ये इसमें जो ये स्टेटोलिथ है इसकी भी मूवमेंट होती है, ठीक है। अब इसी के मूवमेंट से फिर मजीद क्या होता है कि जो स्पीशीज है वो क्या करता है कि मतलब मूवमेंट शो करता है इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ठीक है। मूवमेंट रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना भूल गया हूँ कि ये जो वेलम होता है, वेलम वाटर को जब एक्सपेल करता है तो वो किस मेथड के जरिए एक्सपेल करता है, वो है जेट प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मेथड के जरिए, सिस्टम के जरिए वो वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है, बाहर एक्सक्रीट करता है, ओके। इससे क्या होता है कि जो स्पीशीज है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो स्पीशीज है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। जैसे आपने रॉकेट को देखा होगा कि इसी तरह से जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड मूव करता जा रहा होता है, ठीक है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल या धुआं जो कुछ भी होता है वो अपोजिट साइड पे, ठीक है, जो सिस्टम है वो इधर मूव कर रहा है और उसका जो वो दूसरा वेस्ट मटेरियल होता है वो इस साइड पे वो मूवमेंट शो कर रहा होता है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, जेट प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो फ्लूइड होता है वो अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, सेक्रीट हो रहा होता है, एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेटोलिथ या फिर जैसे ये मतलब मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब इसी की मूवमेंट से, ठीक है, जो एनिमल है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लें कि इसका जो एक नर्व क्रिएट होता है, नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है, वही नर्व क्या करता है कि आगे जाके किसको जो एनिमल की जो मूवमेंट है, स्विमिंग मूवमेंट, ठीक है, उसको वो क्रिएट करता है, मतलब उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। एनिमल की जो स्विमिंग मूवमेंट है, स्विमिंग मूवमेंट उसमें क्या होता है कि वो हेल्पफुल करता है, वो स्विमिंग मूवमेंट क्रिएट करवाता है। मतलब ये एक नर्व इम्पल्स होती है कि एक जनरेटिंग सिग्नल होती है कि वो जाके उसकी मदद से एनिमल की जो स्विमिंग बिहेवियर है वो कैरी ऑन होता है, ठीक है। उससे मतलब स्टार्ट होता है कि एनिमल फिर क्या करता है, मूवमेंट स्टार्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसके गोनेड्स की बात कर लें, तो इसके जो गोनेड्स हैं वो भी रेडियल कनाल के साथ अटैच्ड होते हैं, शायद यहाँ आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा नीचे है शायद, ठीक है। अब इसमें क्या मौजूद होते हैं, ये गोनेड्स मौजूद होते हैं। अब इन गोनेड्स का क्या काम होता है कि पहली बात तो ये कि ये अटैच कहाँ होते हैं, कि उसी मेनोब्रियम के साथ जो रेडियल कनाल है वहाँ क्या कर रहे होते हैं, दीज आर हैंगिंग लाइक एज माउथ, ठीक है। जैसे इनका माउथ हैंग हो रहा होता है, ठीक है, मौत क्या हो रहा होता है कि हैंगिंग हो रहा होता है, तो इस वजह से उसी तरह ये जो ये इनके गोनेड्स हैं ये भी इसी तरह से हैंगिंग हो रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनमें जो मतलब गोनेड्स हैं, ऐसे समझ लें कि स्पर्म्स या एग, इनको क्या किया जाता है कि वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, इनको वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, बिल्कुल वाटर में। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि जो मतलब पोलिप है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, पोलिप की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो पोलिप डेवलप होता है, जिसे सॉरी हम प्लैनुला लार्वा भी बोलते हैं, प्लैनुला लार्वा डेवलप होता है, प्लैनुला लार्वा से फिर क्या होता है कि जो है ना ये पोलिप डेवलप होता है। ये पोलिप क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, और इसकी जो साइज होती है वो तकरीबन 5 mm होती है, 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है, ये इसका